मुझे तो नहीं पता क्या इसके साथ हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ है, इसके घर में गड़बड़ है या फिर इसके अंदर गड़बड़ है, खुद शैतान है, क्या करना है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर इतना पता है मुझे कि मतलब इसके अराउंड जो चीजें होती है वो बड़ी ही ज्यादा लाइक पजल सॉल्व करने इंटरेस्टिंग होती है। ये वाला गेम प्ले मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, ये वाला काफी ज्यादा मतलब काफी बढ़िया गेम प्ले था, मतलब खेलने में मजा आया ज्यादा, मतलब डरावना तो था ही। और एक जगह पे तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मैं बता नहीं सकता, ये बच्चा जो है एकदम पागल है। तो चलो फिर मैं बताता हूँ क्यों पागल है, क्या क्या इसकी हरकतें हैं। ओके। तो तीसरी नाइट है और चिल आउट कुछ तो वॉच टीवी इनकम्प्लीट, मतलब मुझे सोफा पे बैठ के टीवी देखनी थी। तीसरी नाइट यहाँ पे आ चुकी है और तीसरी नाइट, दो नाइट्स में मेरी हालत बिगड़ चुकी है। तीसरी नाइट में मुझे पता नहीं क्यों रियल में थोड़ा थोड़ा सा डरने लगा कि मतलब गेम है थोड़ी, मतलब मैं जितनी हल्के में ले रहा था उससे ज्यादा वजन है गेम, ठीक है। इसमें है चीजें ऐसी जो आपको थोड़ा सोचने मजबूर करे। तो चलो फिर ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, चिल आउट सेटल बेबी गो ऑन द स्टेयर। ओके, तो मुझे ऊपर जाना है और बेबी को सेटल करना है क्योंकि वो साला पता नहीं क्यों रो रहा है। ओके, तो ये कमरा खुल नहीं रहा था, ये खुल चुका है अभी क्योंकि ये बेड है, आई थिंक ये हमारा खुद का रूम है और इसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, ये मैं बाद में देखूंगा। पर अभी ये बच्चा रो रहा है तो इसको देखते हैं। अरे सॉरी, ये वाले रूम में नहीं, ये वाला रूम ऑलरेडी खुला पड़ा है। और ये देखो भाई, इसकी आंखें देख के देख रहे हो और इसका मुंह अजीब सा है भाई। क्या चाहिए क्या इसको, क्या क्या चाहिए, चलो इसको ये देते हैं, ठीक है इससे खेल। अबे अरे ये तो यहीं रह जा रहा है, ले भाई इससे खेल तू, मैं चलता हूँ, फेंकना मत, अगर फेंका तो उठा के फेंक दूंगा तुझे। अब मुझे फाइंड समथिंग टू ईट, परहैप्स चीज टोस्ट और दुनियादारी, तो देखते हैं। और ये भी एक गेट है, आई थिंक ये खुलता नहीं है, बस देखने के लिए लगा है। और ये इमरजेंसी नॉट एन इमरजेंसी इस पे लिखा है, पता नहीं क्या है, बाद में देख लेंगे। अभी के लिए हाँ ओवरऑल देख लेते हैं कि चीजें हैं क्या इस वाले कमरे में, कुछ हमारे काम की चीजें ना मिल जाए बस। चलो फिर ठीक है, यहाँ पे तो काम की चीजें नहीं मिली है, मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना है अपने खुद के लिए, आई थिंक फाइंड समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए या उस बच्चे को खाने के लिए मुझे नहीं पता। ये रहा भाई टोस्ट को मैंने यहाँ से उठाया और कहीं पे डालना वालना है कि कहाँ डालना है भाई, चलो इस प्लेट में डाल देते हैं। ओके, इस प्लेट में डाल दिया मैंने, एक काम करते हैं इसमें डालते हैं और इसको कर देते हैं एड ए टोस्ट फिलिंग देन ब्रेड टू फिनिश इट। ओके, तो मुझे इसके अंदर कुछ तो डालना है, मान लो एग डाल के देखते हैं क्या एड एंड, अरे यही डालना था, अरे नहीं यार ये नहीं डालना था, एक अंडा मैंने बेकार कर दिया। चलो एक और काम करते हैं, ऐसे फेंकते हैं। अरे भाई ये हो क्या रहा है यार, इसके अंदर मुझे कुछ और डालना है। अबे नहीं नहीं नहीं, ओ वो वो भाई 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 ये क्या है। अबे यार इसके अंदर इतनी सारी चीजें रखी हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरा यहाँ से पता नहीं कैसे वो चला गया यहाँ सीधा इसके अंदर। अबे नहीं दूसरा नहीं दूसरा नहीं, अबे पागल भाई ये मैं ओपन करके चेक करना चाहता था, इसमें गया कहाँ पर, ये यार अलग ही मतलब इसका कुछ चल रहा है। अरे यार प्लेट फूट गई यार, मैं बंदा ही मैं बहुत बेवकूफ बंदा हूँ भाई। चलो देखते हैं इसके अंदर से मुझे कुछ निकालना है इस पे डालने के लिए, जो कि मुझे पता नहीं है कि इसमें कहाँ है। ओके, तो मुझे ब्रेड पे डालने के लिए कुछ सॉस टाइप का कुछ तो चाहिए, पर दिख नहीं रहा है मुझे यार। ये देखो ये मुझे ढूंढना रहता है। अरे अरे ये क्या आवाज थी भाई, ये आवाज तो थोड़ी सी जानी पहचानी सी क्यों फील हो रही है। ओके, ब्रेड के टोस्ट के अंदर मुझे डालने के लिए आई थिंक ये चीज चाहिए, हाँ यार ये डालना था और मैं कुछ और ही डाल रहा था। एड टोस्ट फिलिंग देन ब्रेड टू फिनिश। ओके ले भाई अब तो बंद हो जा, ले मैंने दो डाल दिया उसके अंदर, चीज डाल दी आई थिंक मेरा जो है भाई, फीड मी भाई साहब, भाई ये क्या है, अरे बाप रे बाप, पूरा एकदम ऐसा नहीं लग रहा है वो स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी हो ऐसा वाला। अरे भाई 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 भाई, ये देखो ये तो बढ़ता ही आ रहा है। अरे भाई ये है क्या भाई साहब, रुक जाओ मैं आराम से, एक मिनट, मुझे डर भी लग रहा है पर मुझे टोस्ट बनाना, लेकिन ये पूरा फट गया ना यार। ले भाई खा ले, ले ले पूरा ब्रेड तो रखा है, खा ले ना यार, मुझे क्यों डरा रहा है। ये ले इसके अंदर है क्या, वो अचानक से चला कहाँ गया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। फीड द बेबी यू मॉन्स्टर, अरे यार तो फीड द बेबी मैं उसी के लिए तो बना रहा था, फाइंड समथिंग टू ईट। अरे यार, अरे बाप रे बाप भाई, ये तो फ्रिज थी, इसमें जाना पड़ेगा। अबे भाई 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 अंदर दूध रखा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार क्योंकि फ्रिज पूरी सुरंग बन चुकी है। ओ भाई भाई आराम से हम डरेंगे नहीं, यहाँ से उठाएंगे। अबे भाई, अरे भाई साहब ये क्या है यार, ये
मुझे पता था तीसरी नाइट के अंदर कुछ तो बहुत लोचा होने वाला है, तो मैं पहले ही थोड़ा सा तो डरा था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही वाला लोचा हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे अब बाहर निकलना है इस मेज से। ओके भाई, ये तो मेज है कम्प्लीटली, आई थिंक इधर से मैं आया था और मुझे कहीं से तो निकलना पड़ेगा। इधर से मैं आया था, इधर से निकल जाऊँ क्या? अबे यार इधर तो बंद कर रखा है यार, या तो मैं इधर से निकल सकता हूँ या तो मैं ये राउंड एंड राउंड ये देख रहे हो सब पूरा का पूरा घुमा के बना दिया है। ये रहा भाई, ये देखो, ओ ये गेट यहाँ ओपन होता है 9 नंबर वाला, और मैं इसके नीचे था। सॉरी। हाँ भाई, तो मुझे इसके अंदर जाना है। ओके, और ये देखो, अबे भाई इसका मुंह तो देखो, भूख के मारे ये पहुंचा है यहाँ से कैसे, साला चल के आ जाता है। चलो इसका मुझे डायपर चेंज करना है, यही करूँ मैं जिंदगी में, तुम्हारा डायपर चेंज करूँ। और अभी ये भी भागने लग जाएगी। अरे नहीं नहीं, अब की बार नैपी भागी नहीं पिछले वाले। अबे भाई लिटरली मैं और रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ यार, ये अजीब है थोड़ा। मतलब बहुत ही सिंपल है पर फिर भी वो अचानक से मुंह पे डरा देता है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ओ मुझे करना क्या, चेंज द बेबी, ब्रेक द इमरजेंसी ग्लास ऑफ स्टेट। ओके मुझे ऊपर जाना है। अबे भाई ये ऊपर जाने कहाँ दे रहा है? अरे नहीं, ऊपर जाने दे। अबे नहीं यार भाई, ये बच्चा अभी मैं क्या बताऊँ इसको। अबे लॉक्ड हो गए गेट, इसके अंदर था ना भाई। अब इसका क्या, इसे क्या करना है? इसके मुंह पे लगाना है ना। हाँ ये कुछ तो होता है नैपी पैपी टाइप का। ये ले 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 भाई साहब, पुट द बेबी टू द स्लीप। भाई इसके साथ मैं 2 दिन और रहा ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं सुधार जाऊंगा यार, मैं स्वर्गलोक सुधार जाऊंगा, इतना तो ये बता। अबे हो गया भाई, मत डरा भाई भाई। ओ भाई क्या लुक्स दे रहा है ये बंदा। मैं इसको समझता था कि क्यूट सा बच्चा होगा, कितना ही ज्यादा थोड़ा बहुत होगा डरावना। अबे मैं नीचे भी नहीं जा सकता, पूरे का पूरा जो देख रहे हो पूरा चेंज कर डाला इसने, और मुझे इसके अंदर। अबे यार हाँ बैठ जाना, मैं तुझे सुलाता हूँ ना यार। ये ले भाई स्टोरी, इट्स नॉट स्टोरी टाइम यार, तो करना क्या है? पुट द बेबी टू द स्लीप, सेटल बेबी, टेक द बेबी टू द, सेटल द बेबी, जा मर साले उसके अंदर मर। अब पुट द करेक्ट प्लोसी इन द को, हाँ भाई 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 मैं रखता हूँ, ये ले, ये वाला चाहिए, हाँ यही वाला चाहिए था भाई, खुश हो गया। फाइंड द स्टोरी बुक कंसेप्ट, जल्दी से बैठ जाता हूँ यार, वरना ये पागल बना देगा मुझे बंदा। अभी पता नहीं कितनी नाइट्स मुझे और देखनी है। इट वाज कोल्ड थ्रूआउट द पैलेस, द मून शोन ब्राइट आउटसाइड। भाई यहाँ पे ये स्टोरी जो है इतनी अजीब थी कि मैं बता नहीं सकता। और ये देखो भाई, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का सिंहासन बन गया। और ये क्या, मैं ऊपर जा रहा हूँ यार, और ऊपर भी ये ही था भाई। ये गुड नाइट, मतलब इतना घुमा के रख दिया ना इतनी देर में कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चल क्या आ रहा है, मतलब कहाँ से हो क्या रहा है, कौन। मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आया कि ये बच्चा विलन है, या इस बच्चे को किसी बुरी आत्मा से बचाना है, या खुद ही बुरी आत्मा है। मुझे तो लग रहा है साला खुद ही बुरी आत्मा है, लेकिन चलो देखते हैं। मोर नाउ अनादर, तो देखते हैं आगे। इंटर द अपार्टमेंट, मुझे अपार्टमेंट के अंदर जो है इंटर करना है, पर ये लॉक्ड है। मुझे इसके अंदर आई थिंक जाना है। कार एलिवेटर नहीं जा सकता मैं, इसके अंदर भी नहीं जा सकता मैं। इंटर द अपार्टमेंट दिया है, पर मैं अपार्टमेंट के अंदर जा नहीं सकता। ये भी लॉक्ड। ओह सॉरी, ओपन हो गया। ओके भाई, ये पूरा घर जो है देख रहे हो बदल चुका है। यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। डोंट गो अप स्टेयर पे नहीं जाना है मुझे, पर मैं वहीं जाऊंगा, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर मतलब मंत्र पूरे चल रहे हैं। अब ये बच्चा जो है ये मंत्र पढ़ा रहा है, या बुरी आत्माएं मंत्र पढ़ रही हैं, या क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेड ले लेता हूँ खाने के लिए, अपने ले लूँ, नहीं मैं तो खा नहीं सकता। एक मिनट इसके अंदर देख लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, शायद काम आ जाए, वहाँ दूध पिला के शायद उसको शांत कर दूँ मैं। अरे लेकिन ऊपर जाना नहीं है यार मुझे भाई, ये लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है। ओ भाई इसी के अंदर जाना है, और इसके अंदर से इतनी आवाजें आ रही हैं। अबे भाई, अबे ये रे तेरे लिए दूध का बॉटल लाया हूँ मैं। फॉलो द वाइट रैबिट, वाइट रैबिट को मुझे फॉलो करना है। ओके वाइट रैबिट इधर है, ओके वाइट रैबिट इधर है, एंड वाइट रैबिट इधर है,
एंड वाइट रैबिट बाहर की तरफ है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, ये लेके चलना है हाथ में यार। वाइट रैबिट, ओ ओके, तो मुझे इधर जाना है। 20 फॉलो द वाइट रैबिट, मुझे इसके अंदर जाना है। ये आ तो नहीं रहा है। ओके ओके, मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ। अबे भाई ये क्या है यार, इट वॉन्ट्स टू लीव, तो छोड़ क्या मतलब लीव। अच्छा हाँ सॉरी, 20 कहाँ मुझे जाना है। प्रेस द रीसेंट, ओके कोई भी प्रेस करना था मुझे, ज्यादा भी मुझे लोड नहीं लेना है। पर ये तो एकदम से गायब हो गए भाई। तो ये थी तीसरी नाइट, और तीसरी नाइट के अंदर भाई इतनी नई चीजें देखने मिल गई जितनी मुझे शायद दो नाइट में देखने नहीं मिली थी। अब बात है चौथी नाइट की, चलो फिर चौथी नाइट भी खेल के देखते हैं, और मैं देख लेता हूँ कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ओके तो मुझे ये नहीं पता, पर तीसरी नाइट है और आई थिंक मुझे पता नहीं है, हाँ 6 नाइट्स मुझे टोटल यहाँ पे गुजारनी है। हाँ अभी भी 2 बची हैं, आई थिंक तीसरी है, 3 बची हैं, सॉरी 3 बची हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाली भी, और हम आई थिंक मैं चौथी नाइट के अंदर आ चुका हूँ। और मैं एलिवेटर से आया था पिछली बार, तो एलिवेटर में ही अभी मैं हूँ, एलिवेटर के अंदर ही मैं पहुँच गया आई थिंक कोई। अरे भाई 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 भाई, भाई भी मैं पहुँचा कहीं नहीं हूँ, बीच में एलिवेटर जो है वो एकदम से फंस गई है, और ये पूरी इतनी ज़्यादा तेज इधर उधर, मतलब भाई भाई खुल जा, किधर किधर तो खुल जा, मुझे निकलना है। ओके हाँ, तो मैं वाइट रैबिट को मैं फॉलो कर रहा था, तो अब मुझे क्या करना है, इस वाले रैबिट को फॉलो करते रहना है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पर मुझे सिर्फ आई थिंक ये वाइट रैबिट को फॉलो करना है। और वो वाइट रैबिट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ है, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ यार, ये रहा भाई। ओके तो मैं और भी इधर, अबे अरे 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 अरे, चाबी लेके, अच्छा ये दूसरा रूम है, दे दे बच्चा चाबी, दे दे मुझे। अबे कैच द बेबी, अबे यार, अबे साले मारूंगा मैं तुझे, कसम से बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर तू हाथ में आया ना तो टकला बजा दूंगा तेरा। पागल कहीं का दौड़ा रहा है यार यहाँ पे। चलो ये उठा लेते हैं, ये मुझे कलेक्ट भी करते रहने, और आई थिंक इसमें कुछ कुछ तो है आत्मा आत्मा। अरे यार कहाँ है तू, कहाँ है अब, कहाँ है अब, कहाँ है, आवाज दे, किधर है बेको को, अच्छा किधर है, अरे अभी ये कहाँ गायब हो गया यार, इधर भी नहीं है। ये क्या है, पियानो म्यूजिक, और किधर किधर तो आवाज आई थी, ये रहा ये रहा। मैं ऐसे जाऊं अगर, और सडनली ऐसे, अरे भाई ये ट्रिक काम तो कर रही है। ये देखो ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, अबे यार ए यार, सिर्फ ये नजर से भाग जाता है यार। इन्वेस्टिगेट अपार्टमेंट, ओके तो मुझे अपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करना है। अवार्ड विनिंग फॉर टेक्स्ट हैज बीन स्क्रैच्ड आउट, टेक्स्ट हैज बीन स्क्रैच्ड आउट। ओके तो मैं इसको तो पकड़ नहीं पाऊंगा यार, तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, दूसरी चीजें ट्राई आउट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला पीस मुझे उठा के आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मुझे इसमें लगाना है। ये नहीं है, यहाँ पे कुछ तो है यार, द टेक्स्ट हैज बीन स्क्रैच्ड आउट, अच्छा इस पे से टेक्स्ट हटा दिया गया है। नॉमिनी फॉर बेस्ट यूज ऑफ कलर इन म्यूजिक, दिस अवार्ड इज हंग अपसाइड डाउन, टर्निंग योर हेड यू रीड। भाई ये क्या क्या करना है मुझे, इन्वेस्टिगेट द अपार्टमेंट, मुझे अपार्टमेंट में एट द सोर ऑफ द हेली और कैसिडलास ड्रीमस्केप येलो साइन, ये सब बेस्ट डेब्यू। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं और देख लेता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से देखता हूँ, यहाँ से कुछ छूटे ना, ठीक है इसको तो पहले बंद कर देते हैं। ओके तो मैं पहले इस वाले में देखता हूँ कि क्या है ऐसा। ओके ये तो टॉयलेट वगैरह है, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बाथरूम वगैरह। और अब मुझे देखना है कि आस पास मुझे, आई थिंक इसके अंदर ये है इन्वेस्टिगेट, ये किसको देना है, ले 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 यार तू ले ले ले, देख तेरे लिए क्या लाया, देख तेरी, मैं बता तो रहा हूँ यार। ओके तो इसके अंदर देखना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये है किचन हमारा पहले जैसा। ओके ये है, सॉरी ये है, ये मुझे उठाना है आई थिंक, इस पे लगाना है, एक मिनट ये पिकअप करना है, और ये किस पे लगाना है, इस पे तो सब में लगे हैं यार, ऑलरेडी लगे हैं, किस पे इसको रखना है। ओके तो ये दो हैं आई थिंक, हाँ मुझे इसको राइट जगह पे लगाना है आई थिंक, मोस्ट प्रॉबली, नहीं यार ये भी इधर ही पड़ा है, ये भी इधर पड़ा है, ये भी इसमें लगेगा नहीं यार, क्या करना है मेरे को, इन्वेस्टिगेट, कैच द बेबी, फेल्ड हो चुके हैं हम कैच द बेबी में, पता नहीं क्या है यार। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, ओके इस पे ही रख देते हैं, चलो। अरे बच्चा किधर है, शैतान बच्चा, अच्छा हाँ मुझे चाबी लेनी है। भैया ओ भाई, इन्वेस्टिगेट द अपार्टमेंट भाई, कर तो लिया, और किधर जाना है, क्या इधर उधर है क्या कुछ है, ये टूटा हुआ गिटार है, ये पीस और मिल गया मुझे, ये
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसको क्या करना है। ओके ये भी उठा लिया मैं और इसको यहाँ पर रख दिया। पिक म्यूजिकल गेबिस। हाँ यार तो ये और एक मुझे पीस मिल चुका है। अब मुझे नहीं पता इसको कहाँ लगाना है यार, पर ये साला लग वग जाए यार, कुछ तो हो जाए यार, दिमाग खराब है। अच्छा हाँ एक सेकेंड, को यहाँ पे लगाना है और इसको यहाँ पे रखना है और आई थिंक इसको यहाँ पे लगाना है। ऑल राइट द किंग्स लेवी। अरे बैठ जा यार, सही से बैठ जा। ओके ओके आई एम गेटिंग इट मुझे समझ आ रहा है धीरे धीरे। ये यहाँ पे हो गया लेकिन ये जो है इसके बीच के एक दो पीसेस और गायब है और मैंने अपार्टमेंट अच्छे से तो तलाश लिया है बट ये मिल नहीं रहा। ओ अच्छा मुझे इसको यहाँ लगाना है, पीस ऑफ म्यूजिक द किंग्स लेबी करके जो है यहाँ पे मुझे इसको लगाना है। ओके यहाँ पे एक हो गया। ओके ओके मैं कलेक्ट करके लगा देता हूँ। आई थिंक सारे लग जाएंगे क्या, ऐसा ही करना है क्या। ये देखो अच्छा ये रिकॉर्ड स्वाइप हो रहा है यार। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ अब शायद इसको पकड़ने में हेल्प मिल सकती है। नहीं 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 ये बच्चा मुझे पकड़ने देगा नहीं। ओ साला ये पागल है, ये कुछ तो करना है इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट। मुझे एक तो समझ में आया कि इसमें से जो है इसमें कुछ तो लगाना है। ओके ये वाला भी हो गया। आई थिंक दो ही थे क्या। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार इसके अंदर और क्या करना है। अरे हाँ ये कुछ तो कर रहे हैं, म्यूजिक सुन के आया तो ऐसा है। भे यार मैं टच कर देता हूँ पर हाँ ये वाला लगा के देखते हैं, ये वाला लगा देते हैं। म्यूजिक पीस से कुछ तो पता चल रहा है। ओके म्यूजिक बदल गई। अबे नाच ना साले नाच, देख म्यूजिक अच्छी बज रही है। किधर है, देख 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 म्यूजिक बज रही है देखा। भाई कसम से तू अगर आ गया पकड़ में मैं तुझे बता तो रहा हूँ। अभी मुझे कुछ और सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो है इसको यहाँ पे लगाना है। नहीं इसमें वैसे लगेगा नहीं क्योंकि अभी इसमें मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है कुछ। ये दोनों सेम साइड ही है आई थिंक। हाँ ये दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं अलग। द किंग्स लेबी हो गया यार। तो इतना ज्यादा मुझे मेहनत करने के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बच्चे को कैसे सुलाऊं या कैसे पकड़ूं या क्या करना क्या है। ये सब म्यूजिकल नोट मैंने कलेक्ट तो कर लिए हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, ज्वाइन हो नहीं रहा है, कुछ समझ आ नहीं रहा है, करना क्या है क्या नहीं करना है। इसमें भी मैंने लगा दिया है। देखो ये सारे प्लेइंग वाली चीजें तो मैंने करके देख ली तीनों, इससे कुछ खास फायदा मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है। पर आई थिंक ओके ओके नीड म्यूजिक टू प्ले। एक सेकेंड ये पियानो जो है यहाँ पे पियानो का ही नोट दिया है ना, इस पे पियानो का ही कुछ दे रहा है, बाकी इसके लिए तो डिस्क है आई थिंक, तो ये मैंने चेक किया नहीं अभी तक आई थिंक। हाँ ये एक मिनट, एक काम करते हैं इसको इस पे रख के देखते हैं। ये वाला उठा के रखते हैं कहाँ पे, कैसे करें, यहाँ पे रख सकते हैं क्या। ओके यहाँ पे रख तो जा रहा है यार। नहीं नहीं यार ऐसे हो रहा है। अरे यार चलो यहाँ पे सारे उठा के रखते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे देखें। ये वाला इधर, ओ ओके ओके ये लग जा रहा है। नहीं यार ओके ये लग गया। अरे वाह मतलब कि तीसरा वाला भी लगेगा ही लगेगा। ओके ये सही जा रहा है, सही जा रहा है। भाई क्या मुश्किल है यार, कुछ तो क्लू दे दिया। अगर इस पे पियानो मैं कहाँ से पता लगाऊंगा पियानो, लेकिन मैंने देखा नहीं था पियानो इससे पहले। ओके तो मैंने क्लिक कर दिया इस पे और अभी ओ आ गए बच्चे तुम पकड़ में आ गए। हाँ तो पकड़ना इसको, अभी गाना सुनवाएगा मुझे। इतनी देर से तो फ्रस्ट्रेट कर लिया, कुछ समझ आ नहीं रहा था, ये कहो तुक्का लग गया। ओके अरे ये क्या हुआ, अरे फिर भाग गया यार। ओके तो यहाँ पे कुछ तो आया, प्रेस स्क्रैच। ओ भाई ये सही है बॉस। ओके तो मुझे क्राउच करके इसके अंदर जाना, ये लेके चलते हैं शायद कुछ मिल जाए। ओके तो ये कोई सीक्रेट टनल मुझे लग रही है लेकिन ये जाएगी कहाँ मुझे ये नहीं पता, तो चलो आगे देखते हैं कि कहाँ जा रही, इससे होगा क्या। और मुझे इस तरह से कुछ आवाजें तो आ रही हैं भाई, एक ही साइड में ना यही है। ओ भाई म्यूजिकल नोट्स यहाँ पे पड़े हैं वो जो थे। ओके ओके तो मुझे यहाँ पे, अरे भाई भाई जल्दी से मुझे वो उठा के यहाँ पे लाना है तीनों के तीनों आई थिंक। लिसन द पिगमेंट रिकॉर्ड, पिकमेंस रिकॉर्ड, लिसन टू द पिकमेंस रिकॉर्ड। यार यही करना था ना, यहाँ से पिकमेन का रिकॉर्ड क्या बोल रहा है यार, यहाँ से एक उठा के ले चलते हैं उसमें लगा के देखेंगे ठीक है, क्योंकि वो ऐसा फील तो हो रहा था कि ऐसा ही कुछ था। लेकिन यार यहाँ पे लिसन करने के, तो यार मुझे वहाँ पे रुक के कुछ सुनना उनना था क्या, मुझे समझ ही नहीं आया। चलो एक बार चलते हैं। के कंप्लीट कंप्लीट बेबी को पकड़ने में फेल हो गए, बाकी सब कंप्लीट कर दिया। चलो इसको मैंने इसमें लगा दिया। अरे जाना यार चल रहा है, ये मुझे सुनना है क्या करना है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा स्क्रीन शेक हो रही धीरे धीरे करके। ओके लगा ले यार इसमें, सुना ना कुछ अच्छा अच्छा म्यूजिक सुना। ये क्या है, मोमबत्ती भी बुझी पड़ी है। ओके तो मैं सुन तो यार रहा हूँ फिर भी इसमें।
कुछ हो नहीं रहा है, अभी कुछ बंद तो हुआ है और ये सब शांत भी हो गया है। अभी ये हिल रहा था बहुत ज्यादा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें मुझे करना क्या है। ओके पिक द रिकॉर्ड ऑलराइट। अरे यार एक सेकंड, ये इसमें करना है। अच्छा मुझे ये वाला ले जाके उसमें लगाना है। ऑलराइट अच्छा मैं समझ गया, ये वाला वहां लगा के और मुझे इसकी शायद वॉल्यूम सुननी है, ऐसा कुछ करना है। तो चलो फिर देखते हैं। अबे बे भाई आराम से, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ ये हॉरर गेम है या फिर ऐसा पजल सॉल्व करना है, तो मैं डर जाता हूँ। चलो भाई सुना दो ये क्या है। अच्छा इससे ये बच्चा शांत होगा। ओ ये अल्ले पकड़ में आ गया। छोले तेरी तो चप्पल गाय मेरी है नहीं, वरना बेटा यही मारता तुमको। अब मुझे क्या करना है, टेक द की एंड अनलॉक द डोर। अच्छा ये वाला डोर मुझे अनलॉक करना है। नहीं यार इसमें से तो मैं आया ही था, यहाँ से मुझे कहाँ भागना है, यहाँ से तो मैं आया था आई थिंक। तो कौन सा गेट अनलॉक करना है। ओके मुझे ग्रीन कलर का कुछ। ओके समझ गया, ओ यहाँ पे आया था मैं पिछली वाली नाइट में। ओके तो आई थिंक ये फोर्थ नाइट है, लेकिन अभी कुछ समझ आ नहीं रहा है। प्रेफरेबली वन ऑल एलिवेटर दैट। ओके मुझे कोई एलिवेटर यहाँ पे मंगानी है जो चल रही हो। ये नहीं चल रही है और ये है। और एलिवेटर कहाँ पे, मुझे ये भी एलिवेटर नहीं दिख रही है यहाँ पे आसपास। ये तो भाई ये अजीब ही है। डैम पावर्स आउट। ओके तो पावर आउट हो चुका है। रिस्टोर द पावर टू द एलिवेटर, इन्वेस्टिगेट द फ्यूज बॉक्सेस। ओके तो मुझे यहाँ पे फ्यूज बॉक्सेस जो है इन्वेस्टिगेट करना है। ओके यहाँ पे है फ्यूज बॉक्स। ओके अब फ्यूज बॉक्स के अंदर क्या गायब क्या है, कुछ भी। अच्छा हाँ एक बीच में कुछ रॉड टाइप का गायब है और वो मुझे ढूंढने के लिए नो पावर ये चाहिए, फेस ये वाला चाहिए आई थिंक। एलिवेटर स्टेटस ओके यहाँ पे कुछ ओपन करने के लिए दिया है। ओह तो यहाँ पे भी लगेगा, दो जगह वो लगना है। ओके यहाँ पे तो कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। अब मुझे जो है दो चीजें ढूंढ के लानी, एक और ये मिल गया। और इधर कुछ नहीं है। ओके तो ये ओपन किया मैंने। ओह ये रखा है।